So more breaking inputs that we continue to track this afternoon. In fact, let's tell you, making a good on their promise, the BJP is holding a massive protest in the capital outside of the Aam Aadmi Party's headquarters. Now, the ruling party continues to demand that Arvind Kejriwal resign from his position as chief minister. But remember, the AAP have said time and again that Kejriwal will continue to run the government even behind bars. Meanwhile, water cannons have been used on BJP workers. My colleague Amit Gautam joins me with more. Amit, good afternoon. Jahan tak ye visuals bhi dekha ja raha hai, ye protest jo BJP ka plan tha, ek din se hi wo bol rahe the ki jo resignation hai Kejriwal ka, unko apna istifa de dena chahiye. Lekin jahan tak abhi ka protest hai, unka kya kehna hai? Why do they think that Kejriwal should resign? एंड आपके साथ बीजेपी की वर्कर्स भी है, उनसे बात करिए और हमें बताइए. जी बिल्कुल, आपको बता दें 21 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तभी से भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए. लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी साफ तौर पर कह चुके हैं, पार्टी भी कह चुकी है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे. हमारे साथ बात करने के लिए यासिर जिलानी है. यासिर जी, एक तरफ आप लगातार कह रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर बार मैं देख रहा हूं कुछ ही दिनों बाद कर देते कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां की तरफ से भी आम आदमी पार्टी की तरफ से है कि कुछ भी हो जाए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे. क्या देखिए, आज मैं सबसे पहले अपने दिल्ली के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी को सलाम करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई है, पानी के बौछार से वो गिरे, उन्हें चोट लगी है, यही तो संघर्ष है दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता के संघर्ष, दिल्ली की जनता के संघर्ष का ये जो कारण है वो आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं. और नैतिकता और शुचिता के आधार पे जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो इस्तीफा उन्हें देना ही पड़ेगा. देखिए आनंद भाई, एक बात बता दूं, आप शुचिता की राजनीति कर रहे थे, आप कह रहे थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, आपसे बड़ा कट्टर बेईमान कोई नहीं हो सकता. जेल में कौन है? जेल में देखिए, दूसरी तरफ तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देखिए किस तरीके से आपको यहां पर झगड़ा देखने को मिला. मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा देखिए, यहां पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा देखने को मिला है, जिसमें आप देखिए यहां पर युवा मोर्चा के सागर जो है वो तीखी नोकझोंक पुलिस से देख रेख कर रहे हैं. आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस और युवा भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के बीच में झड़प आपको देखने को मिल रही है एक दूसरे पे. हमारे साथ बात करने के लिए सागर भी है. सागर, क्या बात हो गई? आप इधर आइए, क्या बात हो गई? पुलिस वाला, पहले तो ये लोग बदतमीजी करते हैं और उसके बाद हमें गालियां देके और हमें कह रहा पीछे हट, हमें गाली को दे रहा है, हमें गाली लगी है, हम घर हमारे ऐसे ऐसे शाम को लगी है. आप ये पुलिस सागर, पहले तो क्या बात हो गई? ये एसीपी, ये सेवक, ये एसीपी पहले तो हमें गालियां देता है और फिर कहता है यहाँ से पीछे हटो. हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, प्रदर्शन खत्म हो गया, ये हमें बुला के कह रहा है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई वहाँ आने की? क्या हमें कोई रोक देगा प्रदर्शन करने में? दिल्ली पुलिस की शक्ल में आपके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, ये दिल्ली पुलिस नहीं, आपके कार्यकर्ता है. पानी चलाया, इंजर्ड किया अध्यक्ष जी को, मैं अध्यक्ष जी के साथ मौजूद था. तो देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी वो खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी जिसमें युवा मोर्चा भी बहुत भारी संख्या में शामिल था, लेकिन प्रदर्शन खत्म हो गया, पुलिस ने डिटेन किया, लेकिन उसके बाद झड़प युवा मोर्चा और पुलिस के बीच में देखने को मिली है. और युवा मोर्चा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सागर का कहना है कि जब वो प्रोटेस्ट खत्म करके निकल रहे थे तो पुलिस ने उन्हें काफी बदतमीजी से बोला, गाली भी दी, अभद्रता भी कही है, गलत शब्दों का उपयोग भी किया और धक्का भी दिया. इसी के चलते दोनों के बीच में नोकझोंक देखने को मिली है. हालांकि अभी भी नोकझोंक आप देख रहे हो तस्वीर के माध्यम से. मैं अपने राकेश से कहूंगा, जरा कैमरा मैन को पूरा पैन कर दीजिए कैमरा को और दिखाइए, अभी भी पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में नोकझोंक देखने को मिली है. काफी तेजी से लड़ाई देखने को मिल रही है दोनों के बीच में, हाथापाई की भी स्थिति है. दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर हालांकि स्थिति को थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है चीजों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं वरिष्ठ, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना किया जाए और माहौल को शांत किया जाए.
तो देखिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, जो आम आदमी पार्टी के कार्यालय को घेराव करने की कोशिश में थे, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग थी। साथ ही साथ उन्होंने पुतला भी लिया और पुतले को जलाने की भी कहा गया। इस तरह का पूरा इनका प्लान था, प्रदर्शन था, और प्रदर्शन हुआ। पहला बैरिकेडिंग उन्होंने तोड़ा, दूसरा बैरिकेडिंग में पुलिस भारी बल तैनात था, डिप्लॉयमेंट था, दूसरे लेयर नहीं तोड़ पाए। उस पर कोशिश करी तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन चलाया और पुलिस ने पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी डिटेन किया। आई हैव टू इंटरजेक्ट बट थैंक यू वेरी मच फॉर नॉट ओनली गेटिंग अस द लेटेस्ट बट आल्सो गेटिंग अस दोस रिएक्शंस इन terms of what's really happening on the ground. But for the moment, of course, we leave it at that. But as we continue to track this, let's also listen into that conversation earlier that came in of Harshvardhan as far as their stir against Aam Aadmi Party is concerned. मैंने 25 मिनट का जो ऑर्डर सुना उसमें स्वयं इतना डिटेल में उल्लेख किया है हाई कोर्ट की जज ने कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे आम आदमी पार्टी कन्वीनर इस घोटाले में, इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्वमेंट है। और उन्होंने कहा कि ईडी ने हमारे पास ठोस और पुख्ता सबूत इसके लिए प्रस्तुत किए हैं और हमारे पास पर्याप्त कारण है इस बात को कन्विंस होने के लिए कि हम उनकी एप्लीकेशन को, अर्जी को रिजेक्ट कर दें। तो हम लोग उन्हें फिर से याद दिलाने आए कि भैया खाली कट्टर ईमानदार कहने से कुछ नहीं होगा, अभी भी समय है, नैतिकता का भी तकाजा है, अब टेक्निकल तकाजा भी है कि आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं बेल के लिए, वो भी उनका अधिकार है, उसके बारे में भी हमें कोई कुछ नहीं कहना, ना हमें उसमें कोई आपत्ति है, वो उनका राइट है, उन्हें जहां जा सकते हैं जाना चाहिए। अपनी तुलना वो फ्रीडम फाइटर्स से कर रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल से। अब इससे ज्यादा तो कोई मतलब हास्यास्पद बात नहीं हो सकती कि अपने आप को फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं, कट्टर बेईमान आदमी अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहा है। ये इतिहास जो है आने वाले समय में ऐसे लोगों को इतिहास के कूड़ेदान तक पहुंचा देगा। Now, trouble continues to mount for Delhi CM Arvind Kejriwal. A day after Arvind Kejriwal got a big blow from the Delhi High Court, the Aam Aadmi Party has moved the Supreme Court against the High Court's decision. But important to note here at the same time, the Delhi Court today dismissed Kejriwal's plea on legal visits. ED has also mentioned that legal meets can be misused. Furthermore, Chief Justice of India, D.Y. Chandrachur, told Arvind Kejriwal's counsel to send an email seeking an urgent hearing of the Delhi CM's plea challenging his arrest. In fact, Singhvi sought urgent listing of Kejriwal's plea against the Delhi High Court judgment and told a bench headed by CJI Chandrachur that the arrest was based on an unreliable document. CJI has not specified a date of hearing on this matter. But as we continue to track this development, let's also tell you, meanwhile, hitting out of the BJP amid its protest in the capital, AAP Sanjay Singh says that Tihar jail is being made into Hitler's gas chamber. Listen in. Delhi ke mukhyamantri ko desh ki Modi sarkar jail mein Hitler shahi ki tarah rakhna chahti hai. हिटलर शाही के नियम लागू करके रखना चाहती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है।